हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट नेट सी एस क्लासेस। में इस वीडियो में NFSC, NFOBC और मैम के रिलेटेड मैं मैनेजर फॉर्म से रिलेटेड बात बताने वाला हूँ। वो वीडियो इन तक देखे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो ऑलरेडी EGC ने अवार्ड लेटर फॉर NFSC, NFOBC और मैम के लिए रिलीज कर दी है। हाउ टू चेक योर अवार्ड लेटर, हाउ टू डाउनलोड योर अवार्ड लेटर, सो कम टू द हेयर EGCNET.online.in। और यहाँ पर आकर June 2020 ऑनवर्ड पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको पोर्टल खुलेगा, जहाँ से डिटेल देकर डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे। यहाँ देखिए स्पेशल लिंक जनरेट हुए हैं SC के लिए, मैं ये है OBC के लिए और मैन के लिए। मैं एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस तरह क्लिक करके आप यहाँ पर देखिए, हम मर्ज सीजन पर जाइएगा ना, तो इस तरह का है। मतलब क्लिक करके आप यहाँ आओगे तो सेम आपको पोर्टल इस तरह खोलेंगे, जहाँ से आप अपने अवार्ड लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ देर में लिंक में भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है फॉर एनएक्जर फॉर्म के लिए। देखिए मैंने एनएक्जर फॉर्म से रिलेटेड मैंने EGC को मेल भी किया हूँ। देखिए इनके मेल जाते नहीं है, ब्लॉक्ड करके रखे हुए हैं। मैं इनके ये मैम से रिलेटेड ये ईमेल है, उनको मैंने मेल किया तो इस तरह का आते हैं। फिर मैंने इनको मेल किया था, EGC को भी मेल किया हूँ, उनसे रिलेटेड भी, तो देखिए क्या आते हैं, इस तरह का आते हैं। और मैंने भी EGC को पर्सनल वेबसाइट पर भी इस तरह का किया हूँ, तो इस तरह का देखिए किया क्या, मैं 3 बार रिपीट किया हूँ, इस तरह का आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उनके EGC ने ब्लॉक करके रखे, ना ही कॉल का रिप्लाई देते हैं और ना ही मेल इस तरह करते हैं। रिंग होती है कॉल पर, लेकिन रिप्लाई नहीं देते। अगर अब उनको ज़रूरी है एनएक्जर फॉर्म के लिए, जैसे कभी कभी क्या हो रहे हैं कि PhD में समर वेकेशन आ रहे हैं और इस मंथ तक मतलब अप्रैल के बाद छुट्टी होने वाले हैं, और PhD और ये जो हैं MPhil वाले जो उनको परस्यूइंग है, 3 मंथ का ही टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस वीक तक आप देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीक या नेक्स्ट ट्यूसडे तक देख लीजिए एनएक्जर फॉर्म अपलोड होने की, मतलब फुल गारंटी है, मतलब एक्सपेक्ट बोल सकते हैं। अगर मे भी नहीं होती है, आप मतलब जल्दी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सलूशन है कि यहाँ पर देखिए 2020 10 और 11 का मैंने लाया हूँ आप लोग के लिए। ये सब मैं लिंक कर दूंगा आपको कॉमेंट बॉक्स में। इसमें देखिए आपको सिर्फ ये इतने करने के बाद सिर्फ आप साइबर कैफ में जाओगे, खुद करके आप क्या कर दोगे, यहाँ से क्या 22 22 कर दोगे। 10 to 11 है, तो आपको 21 के लिए आया है, या 20 to 20 11 लास्ट सेशन थे, तो 21 to 22 2 का करोगे सेशन। ये करने के बाद देखिएगा ना कि सिर्फ यही चेंज करने होंगे आपको, बाकी डिटो सेम होने वाली है। और ये फर्स्ट आप इस तरह का फील करोगे, और कहीं भी आपको ईयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये किन के लिए है, मैन के लिए। सपोज डेट ये डिक्लेरेशन आपका फॉर्म हो गया। उनके बाद देखिए HRA यदि जो फॉर्म है ना, बोथ के लिए सेम होने वाली, NFSC के लिए, मैन के लिए और OBC के लिए, तो HRA ये आप ले सकते हो, ठीक है। उनके बाद देखिए ये मैन से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर मौलाना आजाद नेशनल पॉलिसी फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, इसमें ईयर मेंशन नहीं है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये है आपको, तो ये आप डाल सकते हैं। ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा यहाँ से, ऊपर में HRA हो गया आपका, उनके बाद नीचे आइएगा। यहाँ पर आप देखिए कि देखिए आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, इनके लिए भी फॉर्म है, यहाँ भी ईयर मेंशन नहीं है, आपको डिट्टो इस तरह का आप कर सकते हो। उनके बाद देखिए नीचे देखिएगा, यहाँ पर तो आपको ये कंटेजेंसी ग्रांट कमीशन जो सर्टिफिकेट होती है, इसके लिए भी फॉर्म आपको है, तो ये भी आप डाल सकते हो बैंक के लिए। इनमें भी आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं, जस्ट प्रिंट कराने की नीड है। इस तरह का करने के बाद आप एक और फॉर्म डाल सकते हो, अगर आपको देखिए ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी आप डाल सकते हो इस तरह का। यार इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, फॉर्म को प्रिंट करिएगा, सिग्नेचर अपने कीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कीजिएगा, रजिस्ट्रार कीजिएगा। अब अपने गाइडेंस के लिए भी क्राइटेरिया आ गया है न्यू फॉर्म में, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, तो ये न्यू अपडेट आपको मिलने वाली है। लेकिन आप ये इमरजेंसी में अगर चाहोगे कि जिनको मतलब इमरजेंसी है, जल्द होनी चाहिए, तो ऐसे तो अभी इमरजेंसी नहीं है, टाइम है आपके पास। इस तरह देख लीजिएगा, हाफ ईयरली जब आप JRF हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट की नीड होगी, तो आप इसके लिए ये फॉर्म यूज करते हो, और यहाँ पर आप भी सेम क्राइटेरिया आप करते हैं ये। और यहाँ पर एक फॉर्म और होगी JRF टू SRF कनेक्ट होने के लिए, NFOBC JRF टू SRF में, तो इस तरह का पूरे फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप प्रिंट करके इजीली अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में जो हो गए इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, वहाँ 2020 ईयर चेंज करने हो गए, ठीक है। इसी तरह मैं NFSC के लिए आता हूँ।
तो देखिए ये ओबीसी के लिए है, सॉरी एनएफ ओबीसी के लिए है। तो यहाँ पर देखिए आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट इस तरह मिलेगा, इनमें से ईयर भी चेंज करने की नीड नहीं है, जस्ट आप प्रिंट करा सकते हो। देखिए यहाँ पर सेम करा लोगे आप प्रिंट, देखिए अपने टेस्टेड और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट करोगे या सिग्नेचर करेंगे। जो न्यू फॉर्म आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इमरजेंसी के लिए, जिनको इमरजेंसी नीड है, बार बार जो फॉर्म फिल आ रही है उसमें डीन का भी सिग्नेचर यहाँ मांगा जा रहा है। तो न्यू अपडेट आपको सिर्फ वो देखने को मिलेगी इस फॉर्म में, बाकी और रेडी है, सेम डिटेल आपको मिलेगी। उनके बाद देख लीजिए एनएफ ओबीसी के लिए क्या है यहाँ पर, ये देखिए कंटिन्यूस सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, वो ही है, आप ये भी दे सकते हो। और प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप वही दे सकते हो। इसमें आपको ईयर चेंज करने की नीड नहीं होगी। ये देखिए कंटीजेंसी सर्टिफिकेट के लिए ये है, ये दे सकते हो आप। एचआरए के लिए देखिए सेम मिलेगा, ये फॉर्मेट तो इस ईयर भी सेम आने वाली है, इस तरह का आप दे सकते हो। जितने डिटेल है ना, मतलब आपको ईयर चेंज करने की नीड नहीं है सभी फॉर्म में, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में, और एनएफ ओबीसी के लिए तो वो भी नीड नहीं है। जो न्यू आने वाले हैं ना यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा ना कि फॉर्मेट को आप वर्ड में खुद बना भी सकते हो। क्या कीजिएगा यहाँ पर कि स्पेस देकर इसको क्या कीजिएगा, सिर्फ इतना कॉपी कर कर सिग्नेचर नेम डेट और यहाँ लिख दीजिएगा सुपरवाइजर या गाइड, इस तरह लिख दीजिएगा कि हेड ऑफ सुपरवाइजर और गाइड का, और सील दे दीजिएगा, बस इतना ही काम है। इमरजेंसी को अगर नीड है किसी को तो आप दे सकते हो, ठीक है। इनके बाद ये देखिए मैं यहाँ पर एनएफएससी के लिए लाया हूँ, तो इनमें भी आप क्या कर सकते हो कि अगर इमरजेंसी है तो सिर्फ आपको दो तीन जगह आपको एडिट करने होंगे। सिर्फ यहाँ पर 1920 है ना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो 20 to 21 के लिए दे सकते हो। अगर 2021 ऑलरेडी हो चुके थे, 21 से 22 ऑलरेडी दे सकते हो। एक्चुअली ये 20 to 21 सेशन का ही होगा, और यहाँ पर सिर्फ चेंज करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए सर्टिफिकेट व इंस्टीट्यूशन को होंगे, तो यहाँ पर आपको एक बार देख कर सेम काम करना होगा, सिर्फ ईयर चेंज करना होगा। उनके बाद जो भी रिलेटेड इनके एचआरए हैं एनएफ ओबीसी वाले, आप एचआरए यूज कर सकते हो, सेम आप यूज कर सकते हो यहाँ ओबीसी वाले। यहाँ पर कंटिन्यूस सर्टिफिकेट इनका जो भी ऊपर में था वो भी यूज कर सकते हो, सेम ही होने वाली है। और देखिए यहाँ ओबीसी मेंशन है, तो एचआरए मेंशन नहीं है, तो एचआरए मेंशन कर लीजिएगा और कंटिन्यूस सर्टिफिकेट मैन वाले की यूज कर लीजिएगा। इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, मतलब डिटेल को फॉर्म भर कर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, मैं भी फिर कंटिन्यू इसलिए बोल रहा हूँ कि इन द इमरजेंसी सेंस में कि आपको डिपार्टमेंट बंद होने वाली है या आपको वेरिफिकेशन नहीं होगी, और फिर भी ये एक्शन कब लेना है, जब आपको नेक्स्ट वीक तक ये फॉर्म नहीं आए तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इस फॉर्म को लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर वो रिलीज नहीं करती है 2021 के, तो आप इसको एक्शन को ले सकते हैं। और देखिए मैं कंटिन्यूस आप लोग के लिए यूजीसी नेट से और जो भी हैं, मैं फेलोशिप डिपार्टमेंट से मेल करके कॉल करने की ट्राई करूंगा, और जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि रिलीज हो जाए, कि आप लोग इनका बेनिफिट यूज कर सकें। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में मैं बेस्ट देने की ट्राई किया हूँ, और मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर कोई चाहते हैं कि सर इसको करने से कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, तो देखिए अगर आप ईयर चेंज करके करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो उनके वेरिफिकेशन आपके डिटेल से होते हैं, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से होते हैं, हाँ, बट ये कब सबमिशन होगा, ये सबमिशन फॉर्म को आप जब डिक्लेयर करेगी यूजीसी तभी आप डालोगे, क्योंकि वो देखेंगे कि मैंने 2021-2022 का एनएक्जर जब रिलीज ही नहीं किया तो लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के देख सकते हैं, और फिर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो इस नेक्स्ट वीक वेडनेसडे तक आप लोग रुक सकते हैं। मेरे को डाउट लगता है कि इस वीकेंड नहीं करने वाले, क्योंकि टुडे फ्राइडे एंड होने वाली है, तो सैटरडे संडे में भी। अगर आप लोग को कुछ लिंक और पता चलते हैं जिनसे कि आप लोग को लगता है कि डाउनलोड हो सकते हैं इजिली वे में, तो आप लोग मेरे को कॉमेंट उसमें बता सकते हैं, मैं और स्टूडेंट को बता दूंगा, हेल्प मिल जाएगी सबको, और सब लोग अपना यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में ये सारे जो लिंक है ना मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा कि आप लोग देख कर पढ़ सकते हो। कभी कभी क्या होते हैं ना, क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या नीड होती है। एक सजेशन और है कि किन्हीं का अगर कास्ट वाइज ओबीसी एससी एसटी और ये मैप से रिलेटेड जो भी अपडेट है अमाउंट के लिए, वो
कास्ट सर्टिफिकेट उनको अपडेट रखिएगा, 3 मंथ 6 मंथ के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मेरा आप सजेशन ये रहेगा कि अकाउंट आप कैनरा बैंक में ओपन करा लीजिए, इट विल बी मस्ट, आपको अच्छे होने वाले हैं इन दी फ्यूचर्स, और एनी बैंक अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो थैंक यू गाइस, सपोर्ट मी ऑलवेज, और मैं इस वीडियो के एंड करता हूँ, मैं इस वीडियो में ईमेल नंबर डिटेल दे दूंगा, आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सपोर्ट मी ऑलवेज।